आने वाले T20 विश्व कप की शुरुआत जून में होने वाली है। न्यूजीलैंड की टीम ने इसके लिए टीम का ऐलान कर दिया है। इस बार टीम का ऐलान नए ढंग से न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने कराया है। प्रेस वार्ता के लिए कोई क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी नहीं बल्कि दो छोटे बच्चों से अधिकारी का ऐलान कराया गया। न्यूजीलैंड टीम ने कुल 15 खिलाड़ी शामिल किए हैं जबकि एक खिलाड़ी को रिजर्व के रूप में है। केन विलियमसन को एक बार फिर से कप्तानी दी गई है। विलियमसन चौथी बार न्यूजीलैंड टीम की कमान संभालेंगे तो वहीं वो एक खिलाड़ी के रूप में छठी बार T20 विश्व कप में हिस्सा लेंगे। केन विलियमसन, फिन एलन, ट्रेट बोल्ट, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, जिमी निशम, गिलेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिशेल सेंट्रल, इश सोड़ी, टिम साउथी टीम का हिस्सा होंगे। न्यूजीलैंड के हेड कोच गोरी स्टीड ने कहा कि हम उन्हें बधाई देना चाहेंगे जिनका नाम सिलेक्ट किया गया है। यह अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अच्छा समय है। हमें लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ में कंडीशन थोड़े से अलग होंगे। उम्मीद है हमारी टीम इसमें ढल जाएगी। मैट हेनरी ने T20 क्रिकेट में अपने स्किल्स में बहुत सुधार किया है। रचिन हमारे लिए पिछले 12 महीनों में मैच विनर खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने T20 क्रिकेट में देखना दिलचस्प होगा।